अगर धर्म जी आपके साथ होते तो आप जरूर और भी अच्छी तरह से ड्यूएट गाते, पर आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, शोले में बड़ा गाना था जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी, और आपकी डांसिंग, लता जी की सिंगिंग, अमजद खान, धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र कहता है मत नाचो, पर आप नाची और लता जी ने वो गाना गाया के सामने, उसकी एक कुछ याद उस पिक्चर, उस सॉन्ग पिक्चराइजेशन की गब्बर के सामने, बिल्कुल इसकी पिक्चर की, ऊपर से गब्बर और सबसे ऊपर ज्यादा तो गर्मी के मौसम में, मई महीने में दोपहर के समय में कड़क धूप में ही शूटिंग शुरू करते थे रमेश सिप्पी जी। हम कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप सुबह शुरू कर दीजिए, धूप तो आ जाती है यहाँ, प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउडी नहीं है वेदर, तो बोलते थे नहीं 12 बजे के बाद ही शूटिंग शुरू करेंगे। तो 12 से वो 4 बजे तक जो कड़क धूप होती है उसमें हमें परफॉर्म करना पड़ा, एंड उसमें जो दर्द था, जो पेन, उसको कितनी अच्छी तरह से जो मैं लाई हूँ वो उसका पूरी वजह है, बिकॉज लता जी इतना अच्छा पीछे बैकग्राउंड में गाया है उन्होंने, जब तक है जा, है ना, उसमें एक सांस भी लेके मैं नीचे गिर जाती हूँ, ऑल एवरीथिंग शी हैज डन दैट, सो ब्यूटीफुल शी हैज डन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना अच्छा गाना है, साथ साथ में उन्होंने मेरे लिए बड़ा चुलबुला सा एक गाना भी गाया, ABCD छोड़ो, ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो, है ना, इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। और इसके अलावा अरे आप आज फॉर्म धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, वेरी रोमांटिक सॉन्ग, यस यस गाने लगेंगे। दूसरा है न जाने क्या हुआ जो तुमने छू लिया, ये गाना था दर्द में विद राजेश खन्ना, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सो स्वीट, एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, तूने वो रंगीले कैसा, दैट वाज अ लवली स्वीट सॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स गुलजार साहब का दूसरा है टुडे, दो नैनों में आंसू भरे हैं, हेमा मालिनी जी, हां बोलिए, यस हां जी बोलिए बोलिए, टुडे वी हैव सीन यू इन अ वेरी डिफरेंट अवतार, हमने आपको ड्रीम गर्ल के अंदाज में देखा था, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप यू आर द स्टार, बिगेस्ट स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, देन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट टुडे आपने, यू आर अ फैंटास्टिक डांसर, बट यू आर अ टैलेंटेड सिंगर एज वेल, और जैसे आपने कहा लता जी की आवाज आप जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने की वजह से एक अलग लेवल पर चली गई, उन्होंने अपनी आवाज और आपको भी एक अलग लेवल पर ले गई, आपने हमसे बात की आज तक से बात की और अपनी यादें शेयर की हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट हैज बीन अ ट्रू प्रिविलेज टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन लता मंगेशकर जी। एंड आई वांट टू से समथिंग फॉर लता जी, लता जी भारत रत्न, स्वर कोकिला जी, एंड उन्होंने तो पूरे हमारे देश के लिए वो एक अमूल्य धरोहर है, ऐसा एक व्यक्तित्व सदियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं, एंड वो एक नरगिस के फूल की तरह सदा बहार है, एंड उनका संगीत और लता जी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं, और उनकी आवाज़, उनके जो मधुर और दिव्य आवाज़ है उसके माध्यम से हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे, वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगी। और एक और बात है, कई लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन जाते हैं, यू नो, सो दीज आर द वेरी फ्यू वर्ड्स आई वांट टू से फॉर लता जी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट शी वाज विथ मी इन माय करियर, मेरा जो जितना भी फिल्म करियर था साथ में थे, शुरू से सपनों का सौदागर से लेकर वीर जारा तक उन्होंने गाया है मेरे लिए, तो आई रियली लव लता जी, लता जी इज वेरी 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 फ्रेंडली विथ मी, शी हैज बीन गिविंग मी सो मेनी गिफ्ट एंड ऑल, दोज आर ऑल वेरी वेरी प्रेशियस फॉर मी, फॉर एवर आई विल love her and she's in my heart always.